नमस्ते दोस्तों, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच किरण पाटिल। टेस्टिमोनियल्स सुन रहे हैं जिनको मैंने बिजनेस में हेल्प किया और उनका बिजनेस एक नए लेवल पे लेके गए, उनका बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक मेरे क्लाइंट थे, उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि मैं ये बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि वो कुछ 15-20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तभी मुझे थोड़ा सा शॉक लगा। मैंने पूछा, आप एग्जैक्टली कितने समय से कर रहे हो? तो मैंने बोला 20 साल से। मतलब 20 साल से जो बिजनेस चल रहा है उसको छोड़ के आप दूसरा करना चाहते हो, क्या हुआ? फिर मैंने और पूछा, कितने लोग हैं? मतलब बोले 40 से 50 लोग हैं। फैक्ट्री की कैपेसिटी, उनके जो फैक्ट्री की कैपेसिटी है उनका सिर्फ 10% यूज़ करते हैं या 20% या 30% यूज़ करते हैं। इसलिए मैं फैक्ट्री, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भरपूर है, उनके एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है, महीने का 10 टन वो बनाते हैं और साल का 120 टन बनाने की क्षमता है, बट वो नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पा रहे। जब बातचीत की तो मुझे पता चला कि जो बिजनेस के जो फंडे हैं, जो बिजनेस के जो टूल्स है, बिजनेस कैसे करना चाहिए उनको पता नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा, ठीक है मुझे मेन रीज़न बताओ आप क्यों नहीं करना चाहते हो, बहुत सारे रीज़न है तो 2-3 बताओ। तो उन्होंने पहले बताया कि ये जो बिजनेस है ना अभी स्लो हो रहा है, मतलब ये बिजनेस ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। क्या हुआ, कैसे आपको कैसे पता चला? आपने सर्च किया, रिसर्च किया? नहीं, हमारे क्लाइंट है, उनके क्लाइंट बाहर के हैं, बाहर देशों के क्लाइंट है, तो मतलब आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट है। मतलब एक क्लाइंट वहाँ पे है, उन्होंने मुझे बोल दिया, उन्होंने मेरा सामान लेना बंद कर दिया इसलिए मेरा बिजनेस कम हो रहा है। मतलब वो माप कौन सा है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। मैंने उनको बताया एक पॉइंट, लाइफ साइकिल, हर एक बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा आता है, या अगर कोई मर रहा होता है तो ECG दिखता है वहाँ पे हॉस्पिटल में, ऐसे ऊपर से नीचे जाता है। तो एक बिजनेस की एक लाइफ साइकिल होती है, स्टार्ट होता है, टॉप जाता है, फिर डिके शुरू होता है। बोला आपके लाइफ साइकिल में आपका बिजनेस कहाँ है? बोला ये तो हमें पता ही नहीं। बोला लाइफ साइकिल हिसाब से, बोला एल्यूमिनियम अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अच्छा, मतलब उन्होंने आपका बंद किया, उनका नहीं चल रहा, उनका कुछ और चैलेंजेस होगा, और बट वो चैलेंजेस नहीं है। पर उन्होंने मुझे बताया अभी ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अभी जो कारें बन रही है अभी प्लास्टिक के आने वाले हैं, इसलिए मेरा बिजनेस डिके होने वाला है। फिर मैंने उनको समझाया कि आप पूरा स्टडी करके बात नहीं कर रहे हो, जो थोड़ा बहुत जो फीडबैक मिला है उसके तरफ बात कर रहे हो। अभी भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ऊपर है और अभी कारें आने वाली है प्लास्टिक, बट उसमें बहुत समय है। तो अभी भी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, लाइफ साइकिल के पीक के पास है या उसे थोड़ा सा डाउन आ रही है। तो आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, आपको बिजनेस कैसे करना है इसको समझिए। और मैंने उनको एक सवाल पूछा, बाकी के जो पूरे इंडिया में एल्यूमिनियम कंपनीज है वो अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है? हाँ चल रही है। तो वो कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसको समझो, आपने एक कंपनी, फॉरेन की कंपनी ने मना किया, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ साइकिल के हिसाब से पिक पे एल्यूमिनियम से थोड़ा सा डाउन है, तो अभी भी आपको स्कोप है और आपका 20 साल का उससे एक्सपीरियंस है। आप ढूंढ के निकालिए क्या गलती हुई, नए कस्टमर ढूंढ के लाइए। अगला पॉइंट आ गया लाइफ साइकिल के बाद कि नए कस्टमर आपके पास में नहीं, बोला कितने कस्टमर हैं? उन्होंने बोला हमारा लिस्ट बताए 10-12 कस्टमर है, उनको ही हम अपनी सप्लाई करते हैं, उनसे हमें बिजनेस आता है। बोला नए कस्टमर क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? फिर उनको याद आया कि उनके जो पुराने कस्टमर छूटे हुए थे, उन्होंने पूरे पुराने कस्टमर की लिस्ट निकाली और पिछले 15 दिन पहले ही उनसे बात हो गई और उन्होंने बोला यस आपने जो बोला था वो मैंने किया और मैंने कस्टमर अभी मुझे मिल गए हैं और मेरा प्रोडक्शन 10% से मैंने अभी 40% पे लेके गया। तो उनका प्रोडक्शन 40% हो गया और अभी मेरा अभी नेक्स्ट मीटिंग है उनका पूरा बिजनेस डबल करने के लिए, 3 से 6 महीने में उनके साथ अभी मीटिंग होने वाली, इसी हफ्ते में वो फाइनल हो जाएगा। उन्होंने डन बोला है और उनका बिजनेस डबल बगड़ने के लिए, 2 गुना बढ़ाने के लिए, 2 टाइम्स फाइनेंशियल जो है वो करने के लिए हम अब करने वाले हैं। तो दोस्तों ये टेस्टिमोनियल्स सब जो मैं दे रहा हूँ रियल है, उनके नाम मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, बट आप अगर चाहे तो मेरे पास से वो नाम नंबर लेके उनसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है? जब उनका पूरा परमिशन, मुझे रिटर्न परमिशन मिलेगा तो मैं उनका नाम और नंबर भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।